हम लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाश्ता कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है धूप में बैठ के। आज ना हम ऊपर छत पर बैठ के ना फिर नाश्ता करें। अवैस आप नाश्ता करने में बिजी हैं। मैंने नाश्ता कर लिया, मैं अब बस चाय पी रही हूँ। जी पानी है पड़ा और ये यूसुफ बैठा है। यूसुफ स्कूल नहीं गया, इसकी तबीयत खराब है। अवैस मदरसे नहीं गया, अवैस की तबीयत खराब है। और ये दादू ऊपर आ गई हैं। दादू की चाय पड़ी है, मैं अपनी चाय पी रही हूँ और दादू के ऊपर पड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बताएं। और वो देखे वो हमारे चूचू मजे कर रहे हैं। जी बताएं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बाबा का एक कॉल होता था, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। आप ही अपने बच्चों को कहा करें, ये बहुत अच्छी बात है। जब किसी का काम करने को दिल होता है ना, अगर उसकी बेचारे की बाजू कट जाए ना, वो कर जाता है। जब जिसका दिल नहीं होता ना, वो जिसका दिल टूटा हुआ था ना, वो बेचारा काम नहीं कर सकता। हमारी ये कुछ है ना, काम में नहीं चलता था, काम में सिर्फ नियत चलती होती है। ऐसे ही है बिल्कुल। पर नहीं, वाकई ये दोनों बीमार थे, इस वजह से आज इन्होंने छुट्टी की है, वरना नहीं। अम्मी चाय पियो। वो कहते थे हसन तो खड़ो के चाय पी रहा है। बाहर टूटा कमासी, दिल टूटा ना कमासी। वाह वाह वाह, क्या मिसाल दी है। मेरे हस्बैंड के पास तो अगर मैं कह दूँ ना कि 70,000 मिसालें होंगी, तो शायद ये 70,000 कम हो जाएंगे, पर इनकी मिसालें ख़त्म नहीं होंगी। एक मिसालें और एक और भी कुछ है, बता दूँ? बता दो। बता भी देना है। बता दो। गालियाँ। अरे कहना क्या। यस, 70,000 गालियाँ आती हैं इनका। कभी आपने बैल देखा हो ना, तो फिर आपको ये समझ आएगी। बैल है ना, किसी की बात नहीं मानता। वो कहते हैं कि बस काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे दर्द तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे अपने हाथ में जख्म होते हैं बिल्कुल। और ये देखें, नाश्ता बनाते हुए मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पाँव पे छाला निकल आया। अल्लाह करे नजर आ जाए कैमरे में। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। घी गिर गया नाश्ता बनाते हुए मेरे पैर पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो देखने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और फिर बैठ के आप लोग मेरी मज़े की वीडियोज़ देखें। तो आज मैं वैसे ही हमेशा की तरह नीचे बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, काम काम काम, फिर काम वगैरह करके मैं फ्री हुई हूँ। तो फिर अब मैं सोचा कि क्यों ना मैं ऊपर आई हूँ, वैसे पहले धूप में बैठी हूँ, मुझे तो सुकून मिल रहा था। मैंने कहा अच्छा मैं अभी इंट्रो देती हूँ। तो बस फिर मुझे पता ही नहीं चला टाइम का कि टाइम कैसे ख़त्म हुआ है। तो अब फिर बस अब नीचे जाने का टाइम है, धूप वगैरह भी ख़त्म हो गई है, अब नीचे चलते हैं। नीचे चल के भी देखते हैं, वैसे मैं सारे काम वगैरह तो नीचे से करके आई थी, और नीचे चल के देखते हैं अब अम्मी क्या कर रही हैं। तो बाकी आप लोग अब रहे मेरे साथ साथ, देखते हैं फिर। ठीक है, ओके। यूसुफ ट्यूशन चला गया, देखते हैं फिर अब आगे क्या करना है। ये देखें अम्मी की तबीयत खराब हुई पूरी है, मैं नीचे आई हूँ। बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड लग रही थी, और आपको पता है यहाँ पे गैस है नहीं। अब मैं किसी को वेट कर रही हूँ कि कोई जाए चाय बनवा के आए के लिए। ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा, और देख के मुझे खुद बहुत टेंशन हो रही है कि एकदम से क्या हो गया। मतलब सही थी, ऊपर धूप में बैठी रह गई है, पता नहीं अचानक एकदम से क्या हो गया। प्लीज़ दुआ करें ठीक हो जाए जल्दी से। देखेंगे वैसे तो बाहर है दादू को, ये अभी आया काम से, और ये अपने लिए लेकर आया चिप्स। मैंने इसको बताया, मैंने कहा दादू की तबीयत खराब है, और वो छोड़ के पहले बैठ के दादू को दबाने के लिए। कमर में दर्द है ना, कमर दबाओ। ये देखें ये वैसे लेटा हुआ, और ये अम्मी के लिए चाय बनवाई है मैंने बाजी के घर से, बड़ी बाजी के घर से। उनको मैंने कहा कि आप चाय बना के दें, थोड़ी सी तबीयत सही हो अम्मी की, तो वो भी चाय पी रही हैं। और आपको पता है फिर चाय के तो हम भी खैर से शुदा ही हैं।
उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और चाहे हम देखें और रह जाए, ऐसा होता नहीं है हमसे। इसको देखें जरा, ये मोबाइल में मस्त पड़े हैं जनाब साहब। मेरा बच्चा आ गया ट्यूशन से पढ़ के। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस गाइस को सलाम करना, मुझे नहीं सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी हुई है? सही हुई है। अच्छी नहीं हुई? अच्छी हुई है। डंडे शंडे भी कोई? पक्की बात है? आपको पता है? है कौन से? अच्छा आपको पता है दादू की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। पूछ नींद है पड़ी? हाँ फिर ना उठाना, फिर जब उठेंगी ना फिर पूछ लेना, ठीक है? परेशान ना हो आप। हाँ मेरे साथ क्यों आके बैठो? ये देखे मैं खाने पे आई हूँ, खाना बनाने के लिए। और जूसे सामने पास बैठा है, क्यों बैठे हो? जूसे टेस्ट कैसा हुआ है? अच्छा टेस्ट हुआ है। वाह माशाल्लाह। अच्छा बच्चा, चलो माशाल्लाह। और ये देखें ये बन रही है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। चिकन कढ़ाई बन रही है, कैसे क्या हुआ है? ये लो जी यूसुफ, क्या है मैंने बात करनी है, करो। कल भी मेरे तीन टेस्ट हुए थे, बिल्कुल सही नंबर आए हैं। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो सारे कमेंट कर दो यूसुफ के लिए, कोई अच्छा सा कमेंट कर दो। चलो अब हाँ, और लाइक भी कर दो। और तो रहे अब साथ साथ सालन रेडी करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। जैसे कि बाबा गए हुए हैं बाहर थोड़ा सा काम करने के लिए, और बिलाल अंदर बैठा है। असल और वैस को देख कर मुझे लगता है वो दोनों सो गए होंगे, है ना? वो दोनों सो गए होंगे आई थिंक। तो यार मम्मा ने अभी बनाई है थोड़ी देर पहले कढ़ाई, मम्मा ने नहीं बल्कि बाबा ने बनाई है। मम्मा ने नहीं बनाई, बाबा ने बनाई। मैंने बनाया ये कढ़ाई है। ये बंदी झूठ बोल रही है कि ये इन्होंने बनाई है, लेकिन बनाई बाबा ने। ये खाना किसी ने? गरम है क्या है? पड़ा बोल मैंने डाला। चलो मैं फटाफट खाऊं इसे पहले के वाकई बहुत अच्छी बन गई है, एंड हो जाए। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा आज मिले आप बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिलाल की मुंह जुबानी सुनने, आज इस बेचारे के साथ क्या हुआ है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिलाल बताओ। मैं बेचारा आज यार बाथरूम में फंस गया। ओ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओ आधा घंटा फंसे कैसे हो? वैसे मुझे ये नहीं समझ आ रही यार, फंसा ऐसे बड़ा भाई, उधर का दरवाजा खराब था, सही है, कुंडी उसमें थी नहीं, मैंने ऐसे हाथ रखा है, वो बाहर की तरफ गया गया गया, आधा दरवाजा बाहर है आधा दरवाजा अंदर की तरफ है पड़ा, फिर वो खोली ही रहा, मैं उसे करूं करूं आधा घंटा में फंसा रह गया हूं। कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात ना, वहां पे लाइट थी ना कुछ, 9:30 बजे तक का टाइम था, 10 बजे तक मैं फंसा रह गया हूं। और मोबाइल भी नहीं था। हां और मोबाइल भी मेरे पास नहीं था, मोबाइल बाबा के पास ही वो था। आज बड़ी हालत खराब हुई है बेचारा। क्या हुआ होगा तेरे साथ है? फिर एंड में जो था ना, एक बंदा आया था किसी को भी नहीं पता था कि आप अंदर हो। फिर एंड में एक बंदा आया, उसे पता लगा, उसने लाते शाते मारी दरवाजे को, फिर जाके वो खुला है। अगर वो ना आता फिर मैं बाथरूम के अंदर होता बीबी। हाँ फिर मैं तुम्हारा पता ना करती, तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई वली वारिस नहीं है। ये तो ना पता होता ना कि मैं पता करती ना, फिर मामू देखते भाई किधर चला गया ये बिलाल, किधर चला गया आखिर, कहाँ पता लगता उन्हें। फिर भी फिर वो उधर देखे खुला, वो हंस के सोने की तैयारी। अच्छा तैमूर आ रहा था हंस के। बाप बेटे की मोहब्बत जरा चेक करें।
ऐसा आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजेदार था। और आप क्या अपना देने चाहते हैं कि आपका बेटा फंस गया था आज वॉशरूम में? क्या मतलब? अभी मजा आएगा। ये आपका बड़ा बेटा आज बेचारा वॉशरूम में फंस गया था, इसके काम जरा चेक करो। यूसुफ के दो दो घड़ियां पहनी हुई है, मेरी भी और हसन की भी, अपनी इसमें से एक भी नहीं है। ये चेक करें जरा, एक मेरी है, एक मेरी है और एक हसन की है, पर इसकी अपनी इसमें से एक भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे लगता है सब सोने वाले हो गए हैं, खाना खा लिया हमने, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजेदार था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अच्छे से अच्छा खा के सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी कोई नाइट ऐसी नहीं गई जब हम, मतलब इंसान कभी, कोई इंसान भी भूखा सोया, मतलब अल्लाह पाक सबको खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा करना चाहिए, और सब जिस साल में भी रहे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और अल्लाह पाक और ज़्यादा देते जाएंगे, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा देते जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अब मैं करने लगी हूँ वीडियो का एंड। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह एक न्यू मॉर्निंग, एक न्यू व्लॉग, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।